Hi guys. I'm Moment. Welcome to another exciting episode of जी हाँ हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया बड़ा एंजॉय किया इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया ईमान क्या रही फीडबैक सबसे पहले लोगों ने कहा मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ ईमान तो की फीडबैक तो ईमान की खूबसूरती से स्टार्ट

उसके अलावा लोग कहते हैं आप बहुत तेज बोलते हैं हमें बहुत आहिस्ता करके सुनना पड़ता है आप प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोले अच्छा मैं तो हर कोशिश करता आहिस्ता बोला करूँ बट जब हम आपस से बात कर रहे होते हैं कोई इनसेट जोक होता है कोई फील भी नहीं आ रही है, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करनी है अगर हम तेज बोलेंगे तो लोग जरा खफा हो जाएंगे मोमिन आप अपनी शर्ट को बहुत ज्यादा खींचते हैं लोगों को वो भी अच्छा नहीं ने? लगता इस पर मेरी कोई कॉमेंट नहीं है मोमिन हमेशा कहते हैं मैं नहीं करूंगा बट मोमिन फिर भी मैं क्योंकि मैं उनको पता है मोबे शर्ट खींचनी <laughs> है उसके अलावा एक टॉपिक को लेके बहुत से कमेंट्स आए लास्ट वीक हमें जो डॉक्टर हाँ। जाकिर नाइक की बात की थी लोगों हाँ। ने कहा कि आप वैसे पीएचडी करते हैं हर कंट्रोवर्सी से पहले इस टॉपिक के ऊपर जो भी हमने व्यू मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक वाला पूरा जो पॉइंट शो में हमने रखा वो स्टार्ट हुआ था क्योंकि यशमा गेलक एक्ट्रेस उन्होंने जाकर सवाल पूछा अभी बहुत से सेलिब्रिटीज ने किया रिएक्ट किया बस हमारा शो फोर इज ऑल अबाउट टी टीवी फिल्म सेलिब्रिटीज उस जोन को हम लोग कवर करते हैं

एक बात मैं लोगों से अग्री करूंगा मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान में आए उन्होंने भी टॉक दी तो कुछ जो कॉन्ट्रोवर्शियल चंग से ज्यादा हाईलाइट हो गए हाँ। और जिस तरह उन

अब उस पर कॉमेंट करेंगे फिर लोग हमारे बीच में कहेंगे कि आप एक वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों करे मेरे मुताबिक मैं एक बात कहूँगी जो भी स्कॉलर्स हों ठीक है अगर कोई एक बात गलत करते हैं तो उस बात को गलत कहने का हक हर इंसान को होना चाहिए उनकी पूरी पर्सनैलिटी को कोई हाँ। गलत नहीं कह रहा एक बात, बात कभी हाँ। कभी आपसे इंसान से गलती हो जाती है हाँ और इस्लामिक स्कॉलर्स को मुझे लगता है थोड़ी टॉलरेंस होनी चाहिए फिर मैं वही बात करूंगी अगर आपकी टोन जरा हार्श होगी इंसान गलतियां इंसानों से ही होती है और वो फिर आप जरा परेशान थे ना कि थाउजेंड के जीज में क्या है तो कैमरा की थी। और हुसैन तो तो ने बताया पचास करोड़ के कैमरा नौ नौ करोड़ रुपए के कैमरे खरीदे हैं तो, तो नौ नौ करोड़ के उनके कैमरा के लेंस है इतने महंगे महंगे ऑब्वियसली तो फिर उन्होंने जो महंगे कैमरास थे इतने महंगे कैमरास पे

मैं तो झूठ बोल रहा रहा था तो तो वो वो भी 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 थोड़ा थोड़ा सा सा लोगों को पाकिस्तान में पता नहीं क्या से क्या से चल होता है जरा देखना चाहिए उन्होंने माफी भी मांग ली है हाँ। कि उनका वो मकसद नहीं था वो इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा जोड़ रखना चाहते हैं तो चाहते जरा प्यार फैलाएं तो उन्होंने

मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो होगा बिग बॉस के घर में उसकी बात होगी थर्सडे को बच्चे द 4.1 में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो होगा उसकी बात होगी मंडे को हमारे टीवी में और आज से प्रॉपर हमारा वीक स्टार्ट होगा हम जरा हम जरा

जो आई को, को बात उठना स्टार्ट हो रही थी और मंडे ट्यूजेटी आज एक और बात सामने आ रही है कि सारा जो वाकई हुआ ही कुछ नहीं है और ये बिल्कुल मतलब झूठ है मरीन आवाज की आई प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर उन्होंने बताया कि हमने पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट किया है और मानी भी बात रहे थे कि गलत है नादी हुसैन की वीडियो सामने आई असल में इंसिडेंट नहीं हुआ है बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन तो कहीं कही अगेन एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा फैल चुकी कि

के, के बहुत ज्यादा कमेंडेबल है मतलब लग रहा है कि तैयार की हुए बीच बीच में आंखें नीचे भी करते हैं तो पता नहीं बहुत मुझे भी और जो मानी और शफात भी अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं

इस तरह का अगर कुछ सानिया होता है उसके बाद कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो, बात है, तो उस बात को उस तरह भी दबाया जा रहा है देन ये तरीका भी थोड़ा का, बच्चों को तो की नहीं है मास्क तो अब इस केस में तो हर चीज बिल्कुल लग रहा है सवाल निशान है कि इज इट ट्रू इज इट नॉट ट्रू वो थोड़ा सा बहुत से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं की जो शिद्दत है एम थोड़ी है की के ऊपर लोग आके अपने सर फट पा रहे हैं लोग ये करें इतना ज्यादा भी नहीं होता कि ठीक है चलो बातें कुछ होती हैं आगे फैल जाती हैं बट इतनी इंटेंसिटी नहीं होती आई जस्ट जेन्युइनली होप कि इस इस बात के एंड पे कोई प्रॉपर अब वो ही ना अकाउंटेबिलिटी की बात क्या करे किसको को बंदा तो किस पे रिलाई करे किस पे ट्रस्ट करे कौन सही बात कर रहा है किस कहीं ना कि हमारे मुल्क में वैसे बहुत ज़्यादा वो ना एक अजीब सी फिजा पिछले

दीप से एक चली है आपके पास इस पे कुछ ऐड करने का भी कमेंट करके बताएं वो मुझे फेयर वाली बात भी अजीब लगती है अगर कोई अगर बच्चे या स्टूडेंट्स कोई भी कुछ बोल रहा है तो उनको कह रहे हैं अरेस्ट कर देंगे या कुछ उनके खिलाफ हो जाएगा तो अगर वो केस है ही नहीं तो फिर इतने स्ट्रिक्ट आप क्यों हो रहे हैं इस पूरी चीज को लेके तो पता नहीं ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो और क्लैरिटी से बात की जाए और प्रॉपर बताया जाए एग्जैक्टली क्या हुआ और किस तरह सारी बात को अभी बहुत बड़ी खिचड़ी लग रही है वीडियोज आ रही हैं स्टेटमेंट्स आ रही हैं चल रहा है क्लैरिटी नहीं मिल रही बट फिर वो जिस तरह इंडिया था उसमें भी कुछ नहीं हुआ ये उस, उसके में केस तो था ना वो एक्सिट तो करता था यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मतलब ये इंडिया केस में चलते हुए पावरफुल थे कुछ नहीं हो सका तो यहाँ पे तो उन्होंने कहानी पूरी मोल्ड कर दी यहाँ पे क्या इंडिया में जो अभी केस था वहाँ पे गार्ड का नाम सामने आता था गार्ड नहीं कुछ और लोग इन्वॉल्व थे

I just hope के जो भी है सच सामने आए हाँ। और कुछ एक्शन लिया जाए क्योंकि वरना चीजें होती रहेंगी और हम हमेशा आवाज उठाएंगे और आगे कुछ एंड नहीं होगा और ये को करना चाहिए जो स्टूडेंट्स हाँ। के माँ बाप है दबाया जाएगा तो हर इंसिडेंट दबाया अच्छा, जाएगा अच्छा पता नहीं इस बात की, नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने से बात की बात की दुल ने बात की और बड़े लोगों ने बात हाँ. की उनको ऑन बोर्ड लेके अगर आप अपनी बात असल में है कि बात आपकी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ उनको ऑन बोर्ड लेके सब वो लोग पोस्ट करें और पेज को खबर लग रही है कि मानी शफात और नादिर हुन वर्स बाकी पूरी इंडस्ट्री एक बात कर रही है बाकी इंडस्ट्री पूरी चुप है

मिल रहे हैं मगर छुपके चुक छुपके मगर खुल के खुल के बात हम लोग करें आहाद रजा मीर और अमशा खान के बारे में जिनकी एक फोटो ने सोशल मीडिया पे आग लगा दी थरथली मचा दी लंडन की सड़कों पे आहद और अमशा ऐसे टहल से रहे थे शॉपिंग कर रहे थे एक फोटो आई भाई एक बड़ी अपराधी स्टाइल फोटो आई आग। किसी फैन ने खेची और सोशल मीडिया पे लग गई आग अच्छा इससे पहले इस फोटो की बात है मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा आपको याद होगा कुछ देर पहले मैं शो किया था जहां हमने कुछ कपल्स की बात की थी हमने कुछ गैर गैर सरकारी बातें की थी कि भाई कुछ कपल्स का सुनने में आ रहा है वी कैन नॉट कंफर्म बट हाँ ये बातें सुनने में आ रही दिखने में आ रही है हाँ। कि तो कॉमेंट्स का तबादले हो रहे हैं बात पे आहत और हमशा की भी की थी हाँ कि बहुत जगह इकट्ठे देख रहे हैं ऐसी बात सुनने में आ रही है उसके बाद वे फोटो आई तो फिर से एक आग लगी सोशल मीडिया हाँ। पे अच्छा मजे की बात है एक अकाउंट है, है। उन्होंने एक स्लाइडर लंदन की, पे पे की वाइब दिखाई है, साथ से उस की का जूम है। करें तो आपको आग रमशा हैं और इन्होंने फोटो खींची रमशा के साथ

तो वहां पर जरा कैप्चर हो जाता अच्छा, है इस फोटो को देख के एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये दोनों एज एक दोस्ताना वाले माहौल में जा रहे हैं कि क्या ये जरा

एक तो एक आसिम जुफा का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल ले लगता है वो ओम शांति ओम का गाना चल रहा है हाँ, ओम शांति ओम इतने सेलिब्रिटीज आप स्क्रॉल करें हाँ। सारे एले सेलिब्रिटीज हाँ। एक ये मजे की बात होती है हाँ। 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 और दूसरी मजे की बात मुझे लगती है कि एक कैंपेन करते हैं ना वो उस कैंपेन में इतना कंटेंट गाने शाने लोकेशन वीडियोस फोटोज

वो बोर्ड पे ऐसे बिठा रहे हैं जरा मस्ती बीच में उनके लैब हाँ। पे ऐसे सर रख लेते हैं दिया जलाते हैं लेकिन बहुत क्यूट -क्यूट से, हाँ। बीच में मुझें मुझें से नोक छोक करना फिर एक दफा गोदी में उठा लेते हैं तो बड़े मजे मजे की वीडियो है पर्पल वाले मजे लगा मुझे जो आपस में केमिस्ट्री थी वो मुझे अच्छी लगे सोलो सोलो वीडियो तो चलो ठीक है होती है उनकी आपस में थी ना एक दम आखों आंखों में देखते हैं चेस खेलते खेलते पीछे वो गाने में तरह लगा देते हैं बॉलीवुड स्टाइल के फिर मजा आते हैं देखने का क्या रहा है पता नहीं उन्होंने कहा था कि

मैं था नहीं नहीं कोई वो कि मतलब तो सा तो एक सिंगल रह गए सब लोग खुश हैं अपने आगे अपनी जिंदगी में खुश रहे हैं तो बस खुश रहे और हम नए नए बस दुआ कर सब खुश रहे हैं खत्म पानी जिसका भी जो है खैर आई थिंक इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं बात करें प्यार की बात करें पार्टनर्स की बात करें न्यू एज सेलिब्रिटीज की तो कैसे ना बात करें हमारे लॉलीवुड स्टार्स की और वहां पे प्यार किस तरह आता है सोशल मीडिया पे जी बात हम लोग करें वीना मलिक की वीना मलिक को हो गया प्यार हो गया है मुझको तो प्यार हाँ वीना का प्यार ऐसे कि वीना से एक सरकट इंसान से <laughs> 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 बेसिकली भाई वीना मलिक हो गया प्यार शरियार चौधरी से और ईमान जो बात कही इसलिए यानी कि शरियार की शक्ल अभी नहीं को मिली <laughs> उनकी हर वीडियो में उनका हैलिक so, ने अना मुझे हो चुका है प्यार मुझे मिल चुका बड़ा अच्छा इंसान जिनका नाम है शेरियार चौधरी और बहुत सी वीडियो आ रही है कॉमेंट के तबादले हो रहे वीडियो की आती है जिसमें शेर कुछ नीचे अपनी उर्दू में कुछ शायरी लिखते हैं कभी कुछ लिखते हैं कभी कुछ एक वीडियो में वीना मलिक नजर आता शरियार की ऐसे फोन पे अंडे वारी थी हाँ वो थोड़ा सामने चलो आप वीडियोस तरह कर लेते प्रॉब्लम लंबे होंगे की सर तो आना नहीं था फिर चलो अंडे भी ऐसे ऐसे करके कुछ कर लेती फोन के थ्रू भी हाँ। कर रही थी

खुद यहाँ से कॉमेंट करती है क्योंकि तो मुझे पता नहीं गेंद मुझे वो जो है ना वीडियोस आ रही शरियार के मुझे वो लग रही है कहीं उठाई में कहीं से वीडियो से मतलब वो जिस तरह है ना उनकी क्वालिटी हाँ। उनके वीडियो बहुत पता नहीं हाँ, धुंधली सी है कहीं पिक्सल जुड़ जाते हैं कहीं कुछ होते हैं तो वो पर... लग रहा है कि मतलब कि ना एक फिक्शनल कोई कैरेक्टर है क्योंकि वो हर चीज पे कमेंट हर कमेंट पे रिप्लाई हाँ श्रेयान लिखे इसकी सारी आदतें एक तरफ मगर हाय वो इसका हंसते हुए मुझसे बात करना ओ हो हो खुद ही कमेंट करते फिर वीना को लाज बनाती है फिर वीना के पेज पे भी लग जाती है हाँ, फिर उनके पेज पे भी लग जाती तो इन दोनों का इफ शी फाउंड लव वे रियली हैप्पी फॉर यू बट कहने की तरीका बड़ा जरा ना

नहीं वो अपना पूरा sorry, 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 वो हमें क्या हमें बॉडी पार्ट के कहना चाहती है वो पूरा डांस करके दिखाते हैं कि शक्ल साथ हो ना ना लगे सारा फोकस एक पुल आपके बॉडी के पार्ट पे जा रहा होता है अब बहुत ऑफ लगता है एक पिक्चर ये इतने वीडियो यहां पे ऐसे बैठे हुए टांगी खोल के शॉर्ट्स पहनी उन्होंने <laughs> पीस में उन्होंने इमोजी डाल दिए है मैंने क्या सेंसर की अपना वो इमोजी डाल अभी उस पार्ट पे तो साफ और वीना कह रही प्लीज संभालो शर यार कमेंट करें वीना ने ऐसा वीना ने लिखा है एक्सपोज हो गया पता नहीं डोंट फ्लॉन्ट अच्छा यहाँ पे मैं दो बात और ऐड करना चाहता है मार हाँ। एक बात यह है की वीना ने अपनी इंस्टाग्राम बार में अपनी एज लिखती है और ये एज उन्होंने इसलिए लिखी है की बार में उनकी एज थी अच्छा, ओ, जो हटा दी है शरियार की एज 25 26 है ओ, तो इसके जबा ने अपनी एज कर दी 1989 कि मैं 35 साल की अच्छा जो बीना झूठ है आपका भी जब तेरे प्यार में आई थी 2000 में

PR का ना, हाँ, अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता तो मैं बहुत, बहुत प्राइवेट इंसान हूँ अभी तक यही कह रहे हैं है कि किसी ने लिखा उसने कहा कि वीना अपनी बंदी को तो दिखाई जा रहे हो हाँ। तो इनका वो तो वीना का अपना फ्रीडम है वो अपना जो भी करना चाहते हैं करें बट मैं अपनी शक्ल को भी नहीं दिखाऊंगी वीना जल्द इनको इनके चेहरे को लॉन्च करेंगी एज इन नहीं एज इनके बॉडी है वो असली है

<laughs> अब भी ना मेरे को पता नहीं मोमेंट इंसान आपके जो मोहम्मद हीरो थे हाँ। फिर मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर थे 2008 से 9 फिर फैजल अकबर खान की मंगी हुई थी, थी 2010 में फिर निशांत गोस्वामी बिग बॉस वाले अश्व पटेल बिग बॉस वाले संग्राम सिंह

मैं तो तेरी फैन बन गई नितेश हजरिया वाला बॉलीवुड में काफी काम किया है साउथ में भी काम किया वहां मैं जाना चाहूंगा पाकिस्तान में आऊंगा बॉलीवुड का का काम भी बड़ा हाँ। पसंद करते हम लोग घर के अंदर जी घबराए घर के अंदर जी घबराए और कैसे बोल सकते हैं मैं जीना तेरे नारीवा दिन चार पावे जीवा सौ साल मतलब वीना ने बड़े काम किया पाकिस्तान में हम सब उम्मीद से हैं वीना हाँ। तो बहुत एक टैलेंटेड अदाकारा थी कहने की पता नहीं वीना गायब क्योंकि कुछ देर के लिए बीच में स्क्रीन से बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज में हाँ। जुड़ गई थी हर जगह से वो बार बार इनकी पॉइंट थी डांस प्रॉपर एक टाइक थी मजे क्यों

बट फिर भी वो एक्शन में आ जाते हैं जी हाँ बात मैं कह किसकी बात सलाम शाह खान की असला उनका नया गाना आ चुका जिसे सोशल मीडिया पे आग लगा दिया भाई करण जौहर से लेके करण ओजला सब लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं तोबा तोबा उनके गाने की ना आपस आप में कोई कोई म्यूजिक मिलता है अच्छा, जान है जान के करते हैं है। इतना बेस को हो सकता ही नहीं है। कुछ गाने गाने होते ठीक है कमीज़ तेरी कुछ कुछ मतलब कि किसी वजह से आपका फेमस इस गाने में तो ना लिया कर एक तरफ पहले तो रिफोर्स से शुरू होते हैं कि पता नहीं तेरी आंखें वगैरह तेरे सारे फीचर्स अच्छे हैं पर एक प्रेज तो कहता देर बाल भी गंदे तो हाल लिया कर पर एक तरफ हर शहर का नाम लेकर शहर पे मिल भी लिया कर पता नहीं क्या होता है इस गाने का पूरा मकसद अच्छा इतने बेसुरे इंसान आते हैं इनको भी एक अवार्ड ना चाहिए हां बेसिक बेस भी, पकरते। भी पकरते नहीं पकड़ते सर क्या बोला करण ओजला ने तो कहा कि माफी दे मुझे बट करण जौहर ने कागज चलवा करण ओजला कोई जंग चल रही थी जोहर तो करण जौहर की जंग तो चली इस वक्त दिव्या घोसला कुमार के साथ <laughs>

तो वो तब भी चलती है जब आपकी अपनी हो आलवेट पुटा एक तो पहले भी सारा जो माहौल चल रहा था

जी हाँ अभी अभी देखकर आए हैं बिग बॉस की लेटेस्ट एपिसोड बात करेंगे मंडे ट्यूसडे और वेंसडे बिग बॉस के घर में क्या हुआ खूब सारे पॉइंट्स हैं जी हाँ प्रॉपर बिग बॉस के अंदर हम लोग डाइव इन करने वाले हैं पहला हफ्ता थोड़ा ठंडा था हम भी थोड़ा टाइम देते यू नो आप लोगों को पहचानते हो नाम क्या है तो वो तो हफ्ता गुजर गया अब आ चुका है सेकेंड वीक और फुल ऑन हम भी बिग बॉस के फ्लेवर में रंग चुके हैं अभी तमाशा खत्म हुआ साथ ये बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है अच्छा वैसे मैं बात में सोच रहा था कौन से ऐसे तमाशा कंटेस्टेंट्स हैं जो बिग बॉस घर में धूम मचाते मैं तो साइमा का सोचा था कि हाँ। साइमा बलोच और विवियन निशाना एक फ्रेम में उफ फायरवर्क्स विवियन है। मैं, साइमा मैं, मेरी फिल्म जग, मेरा ड्रामा मैंने साइन किया पेन मैंने ये कर दिया तो हाँ, मजा आता है दिफर्ण दिफर्ण। और कौन से लोग इस घर में जरा कि हमारे काफी पे दब जाते हाँ, हमें बिल्कुल दानिया बहुत अच्छे यहाँ पे है हाँ, एक चीज और आरफिन की दोस्ती होती है ना दोनों मिलके प्लानिंग करते हैं सुनाने लग शहजादा दोनों है ना कटे -कटे एक शुरू हो गया है हाँ। वैसे मजा के ना कि वो ना। होते फिर आई थिंक इसी पे स्टार्ट करते हैं भई पहले बात करेंगे मंडे के दिन की तो मंडे का दिन कहीं ना कहीं नाम था एक ट्रियो के हाँ। अविनाश आलिस और ईशा और अभी तक बस ये दो लड़के जिनकी अभी तक शक्ल मैं सही तरह नहीं समझ पा रहा बाकी सबको इनका मुझे मुझे नहीं पता है ईशा जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे डाडेपन में आती है और आके हैं हाँ मतलब एलिस मुझे लगता है थोड़ा सा कम है तो ईशा ने कहीं से कहा मेरे बीच में ना आना मैं और अविनाश बात हैं तो एलिस ने बहुत ज्यादा माइंड कर दिया एलिस पे रोने भी लग गई बीच में तो उन्होंने कहा रो क्यों नहीं

खाम पूछता गुस्सा गुस्सा दिल करता करतन के हाँ, हालांकि चाहत के अगेंस्ट काफी लोग हैं हम भी ठीक ठाक हैं लेकिन

गिनता नहीं हूं मैंने कोई रश लिया मेरा अविनाश को उधर सारा सा फ्लर्ट कर रहा था अविनाश सारा जी सारा जी हम्म hmm. hmm, सारा जी <laughs> बहुत इंजॉय करी थी मतलब अविनाश चलो छोटे ऐसी अविनाश 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 अठारह के वो मुझे शक्कर की भी अठारह टुकड़े <laughs> होंगे नहीं, मिल हर चीज के इतने इतने बंटवारे अठारह चीजों में डिवाइड होगा होगा <laughs> फिर भी अगला दिन हो गया और अगले दिन की शुरुआत हुई ड्यूटीज का थोड़ा तांडव हुआ जहाँ पे गाना गाना बिग बॉस का अच्छा स्टार्ट मान हेमा तो बहुत फुर्ती थी हैप्पी आगे बहुत फुर्ती है लोग तरह से डांस करती है सलमान खान मतलब कुछ करती है हेमा को बस यही था जेल से बांटने के लिए डांस कर सकूमा अभी लड़ाईओं का सिलसिला स्टार्ट हुआ बाहर आउटडोर एरिया में करण वी की और अविनाश की लड़ाई हुई अविनाश वैसे बहुत चला गए हाँ। चार लोग कहते हैं किचन में बस खाना बनाएंगे ये तरीके चलाकती थी खाने के बर्तन भी धोएंगे और जो बेचारी बोलने लगी तीसरा के बर्तन भी धोने बनते हैं नहीं जी चुपकर चुपकर बस हम खाना बनाएंगे बस हम खाना बनाएंगे चार लोग हो गए उन्होंने खेलने आए हैं अविनाश कहते तो मैंने हर चीज में लड़ाई करनी है मैं किसी हाँ। को सुकून की सांस नहीं दूंगा बस मैं अकेला कल स्टोरी लगाई <coughs> जो हिमान के फेवरेट थे कुछ सीजन पहले प्रतीक हाँ। उनका ही लगा एक वर्जन आ गया होगा आप सबको रूल्स ऐसा है रूल्स इस रूल इस है ये भी उसका भी एडवांस वर्जन है हर हाँ हाँ चीज, चीज में बिग बॉस खेलते हैं मुझे नहीं इतना इनके लगता है प्रतीक के बारे है ये तो पता नहीं हर हाँ चीज में फजूल का मतलब कि दो नंबरिया कर कर के भी करते हैं नंबरियां करके जानता कौन है तेरे को डोंट वरी ये तो बता जानता कौन है शो से निकाला हुआ oh, एक शो से निकाला हुआ हीरो ने कहा आउट तो तू तो आउट ने बोला आउट तो आउट हो गया तू तो बेटा मैं थर्टी सेवन छत्तीस छत्तीस में पता नहीं सही करके आ, कर आ रहा हूँ छत्तीस तो सही करके आ रहा हूँ अविनाश को भी तो डैक बता ना अविनाश ने कहा था कि तुम जीत के आए तुम्हारा नाम फिर भी कहीं पे कुछ नहीं तो तो है तेरा नाम कौन जानता है इंसान शो जीत के आया फिर भी उसको लोग नहीं जानते मैंने कहा जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना उसके प्रिंसिपल की नौकरी मैंने लगाई रायपुर में जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना उसके प्रिंसिपल की नौकरी मेरे लगाई बेबीज <laughs> मैं क्या मैं यहाँ पे बोलूँ प्रिंसिपल की नौकरी आपने करी पहले अपनी तो नौकरी लगवा लो अच्छा यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ मैं करीमी के साथ मुझे करीमी सबसे मजेदार लग रहे हैं वो एक ताजा वाक़ा झोंका है इस घर में मजेदार बातें बोल रहे हैं ऑन पॉइंट

अच्छा ने पे बड़ा वैलिड पॉइंट वाली बात जो भी बोल थी कि इसने चुपके से बोला उसने छोड़ना चुप्बेक जो खाना बनाएगा वो बर्तन नहीं करेगा अविनाश हाँ। उस पर भड़क उठा क्यों कि हम खाने जी पे बात कि किसको काम अविनाश एक महरूर कुत्ता है

थी घर में छोटे बहन करने का, का वो बत्ते में वो किसकी बात सुनता है हुँ, हुँ, हुँ. उसके बाद विवेक ने फिर अविनाश को कहा कि तुम्हें किस बात का सुपीरियरिटी सुपीरियोटी कॉम्प्लेक्स हर चीज पे अविनाश को हो जाना लैदाप है नही डोट है इस कामों का मैं कामों की बात काम हाँ। तो तो सब लोग खाना खाना भी सब हाँ। बात अब जब सबका हो जाएगा जाएगा और पेट भर फिर अविनाश खाएगा तो विविन को एक चुमस बात पे हाँ। विवियन, very good. हाँ। है जो अविनाश को सही दिखाता है हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच में करते हैं मैं मिस करूंगी उनके मस्करे पान को वापस आ जाना उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसके बाद थोड़ी मस्ती की शिल्पा जी के साथ हाँ। उसके बाद टाइम गॉड वास्क

कोच है कितना आपसे टोरा हो होगा कि मेरा ये माइंड कोच मतलब और यहाँ पे हर कोई कह रहा है कुछ नहीं आता तुम्हें कख नहीं आता तुम्हें कख नहीं आता हाँ, तो बन मतलब गया अमृतिका भी लगता तो क्या ही माइंड होगा जिनके माइंड <laughs> कोच ये? <laughs> उसके बाद नायरा अपनी बात को सॉर्ट दो कर लिया जो एक्शन वाला मुद्दा था वो वहां पे हवा में रह गया दोनों हाँ। की मॉक तो नहीं रही थी खुद हाँ। भी जान जा के यार खुद करती है ये श्रुतिका जान जान के बातें अपने ईशा ज्यादा चिराग सी है थोड़ा नहीं लगती है एक शक्ल ने बस सुमर लिया जिसकी बड़ी बड़ी आंखें ना वो वाली है

बाकी मैं, मैं सबक समझ गया लोगों को लड़ाक बिग बॉस ने कल कहा था ये हाँ। कैप्टनसी से भी एक कदम आगे है अविनाश बिला वजह कहते मैं बिग बॉस की किताब पढ़ के आया हूँ चैप्टर सिक्स बी सेक्शन में ये लिखा था ऐसे होता है वैसे

अब एक ही आपको बिग बॉस ने दी थी माइंड कोच करने के लिए कहाच करने के बाद उसको खेलते रहते हर चीज में अच्छा, बात करे थे और जीप कोल्ड की बॉडीज बगैर भी कहते हैं खुद ही में हो जाओ खुद बात छुपो रहे बट ये ख्याल रखते है की अच्छा मैं कुछ पानी लाता हूँ कुछ करता हूँ एक टच बिल ईशाई नहीं है

अटैक होगी अब फिर अभी राज को फाइनली अकल आ गई कैसे उससे मैं अब ड्यूटी कर तो नया दिन है नया स्टार्ट है मैं काम कर लेता हूँ फिर विवियन ने कहा आरफी चाहत जो है ना इसको अपना सामान यहाँ से हटाना पड़ेगा हाँ। लिविंग रूम से चाहत को अपना सारा सामान यहाँ से हटाना होगा

और वहां पे अब चाहत ने कहा मैंने नहाना है अब एक और मुद्दा जहां पे बिला वजह चाहत पे आए चाहक मुझे पसंद नहीं है मुझे विविन पसंद है विवन। लेकिन वो बहुत ही बेतुके जा रहे मुद्दों पे अब मुद्दा बाथरूम का उनके पास पत्नी कैसे आ गई क्यूट गलत आप गईन क्या थी सबसे पहले गलत सबसे पहले बात नहीं बोलूंगी कुछ भी गलत सबसे पहले बाथरूम यूज किया अब बस मैं इस बाथरूम का राजा हूं मैं बताऊंगा कि सारी लाइन कौन यूज करेगा पहले आप हो गए राजा ठीक है दूसरा जिसको आपने देते फिर दूसरे राजा बन गए ट्रांसफर होता रहता है जो लास्ट होगा वो बताएगा अगला कौन जाएगा मुझे जाना किसी ने किसी ने जाना है किसी मुझे जाना है। इसके पास कपड़े जो नाना चाहता है मुझे नहाना चले गए बाहर चले गए तो रजत को देगी अपनी बैठा हूँ मुझे वॉशरूम यूज करना है नहाना नहीं है मुझे जाना है यहाँ तो, तो सुनने में आ रहे जान कैसे करती है अपना वो करने के लिए अभी नाच तक ने क्या इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों करेगा उसके बाद वहां वो चला गया अंदर चली के अंदर वो फिर विवियन आ गया विवियन ने कहा यह क्या बात हुई अब यहाँ विवियन ने क्या बोला कि इसको बाहर निकाल वरना मैं दरवाजे को लात मार दूंगा <laughs> बोले मान क्या मतलब इस बात का खांसी खांसी आ मान को। में खांसी आ गई को ऐसे जाती लेकर नहीं खाता ने कहा उस उसको दरवाजा तोड़ दूंगा उसको बाहर निकाल लो वो अंदर वॉश वोश मैं दरवाजा तोड़ दूंगा हाँ तो अगर कुछ होगा मैं दरवाजे में लात मार दूंगा खैर रजत ने जाके सारी बातें बोली

आप मेरे पापा नहीं हो जो आप बोलोगे मैं करूंगा दोनों की जो बातें थी ना बहुत ही जरा बिखरी बिखरी सी जाती है हाँ, हाँ, ना तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा विभिन अक्सर कहते हैं कि चाहत की बहुत बड़ी ईगो है चाहत की बहुत बड़ी ईगो है विभिन आपकी अपनी ठीक ठाक इतना बड़ा ईगो आपका भी हाँ, है हाँ। जो आप बातें अपनी बता रहे होते हैं

मेरा शो मधुबाला अब हो सकता है बातें सच भी हो सकती है मानता हूं तो इस बात को कि मधुबाला जब मैं शो कर रहा था कलर्स पे तो मैंने बाकी सब चैलेंज का हमारे तो सारा धंधे रुक गए सब कुछ रुक गया विवियन ये लो पेन जितने अमाउंट लिख दो बस ड्रामा छोड़ दो तो वो भी तो थोड़ी तो जरा बात है शर्मा बार बार वो भी चेक रखते उनके सामने को कहा कि मैं बहुत खुश बड़ी अच्छी जिंदगी मेरी चल रही है वहा समझौता करती है उनकी मेजा लहजा, लहजा लहजा उनकी लहजा कौन कैसा रखता है तो जब भी मिलने जाने अपने लहजे को संभाल के जाना उसके बाद नॉमिनेशन का वक्त आया और वहाँ पे बग्गा और मुस्कान जी को नॉमिनेट किया आरफीन ने ये कह दोनों कुछ करते नहीं घर में उसके बाद वो टास्क हुआ पे बाई 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 पे सबने था और दो दो लोग तो में नहीं बस कौन कौन नॉमिनेट हुआ रजत चाहत हाँ। अविनाश श्रुतिका करणवीर शिल्पा हेमा और एलिस यहाँ पे एक बार क्या जगह अविनाश शिपा जी के पीछे पड़ा हुआ है आप कुछ बोलती नहीं है आप कुछ करती नहीं है आप अच्छा मुस्कान बड़ी अपसेट थी आर फील के नॉमिनेशन के साथ हां माइंड कोच थे खुद संभाल नहीं पाए तो यूं निकाल दिया बट बाय बाय मुस्कान या तजिंदे इन रूम्स से र्यूमर्स के बाद इटियो तो भी टूट गया एलेस ईशा और अविनाश का हो में खफा थी ईशा तुमने क्यूँ बोला की मैं इन दोनों को छोड़ना चाहती हूँ गोद नहीं लेना चाहती na, मैंने तो दोनों को छोड़ ही दिया है और एलिस सही थी की यही बात है आपस में कर लेते सबके सामने क्यों कर रहे हो फिर एलिस का मैं भी धजिया रहूंगी सबके सामने वहां पे चाहता है बात करने के लिए अच्छा जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था ना पहले के कुछ दिनों में मुझे विवियन के बिल्कुल मैं जो बहुत पसंद थे और चाहत मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती थी बट आहिस्ता आहिस्ता चाहत ना मुझे अच्छी लगने लग रही है अब चाहत विवियन के पास आराम से बात करने के लिए कहा विवियन मैं चाहती हूँ

हाँ, हाँ। तो रजत पहली, पहली जो किया तेरे घर का लेकर हाँ। हाँ, 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 ले खाता हूँ घर का लेकर खा रहा हूँ इन दोनों की बहुत जंग शुरू हुई थी बात छेड़े थे बात बात को लेकर बाथरूम वाली बात थी

फिर रजत ने कहा कि हमारे पत्नी बंदर थे और वहां से निकली हो तो पूजा करो बंदर की एक प्रजाति होती है जिससे आप आए हो पता नहीं कहा सुबह हुई कोई बड़ी बात है ना कि रात के बाद सुबह चल रही थी दर्शक देख रहे तो नेक्स्ट डे हुआ अच्छा मुझे पुराना बिग बॉस अच्छा लगता था ज्यादा जो एपिसोड की शुरुआत होती थी दिन से होती थी को, आ, मतलब कभी इस दो आज का मुद्दा यह था गलता मुद्दा यह था नेक्स्ट डे हो चुका था वेन्सडे का ही दिन है बट दिन बदल चुका था वैद्य चाहत की बात फिर चल रही थी वहां पे वही रात वाली बात और फिर राशन आ गया जो राशन आया राशन आया बहुत कम और विवे ने कहा मैं हूं कलर्स की रिस्पॉसिबिलिटी

तो माशा उन्होंने बात थी थी, बिग बॉस में ना हमेशा खाना बेसिक मिलता था ये पता दाल चावल क्या खाते हैं कुछ पता नहीं पोहा पोहा हाँ ये लोग पोहा नहीं मिलता होता था हमेशा लग्जरी खाने मिलता था मटन नहीं खाया कोई चिकन नहीं खाया बेसिक खाना मिलता होता था तो माशा में इस हुआ कि खाना बिल्कुल दिया ही नहीं वो लोग पिटे तो यहाँ पे खाना बिल्कुल ही हट गया तो पोहा भी चला गया हमेशा बेसिक खाना होता होता था हाँ। सबने बोला भाई ये गलत बात है हमें खाना दे बेसिक तो हमारा पेट तो एटलीस्ट भरे ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमेशा यही आया करेगा अविनाशी का हम लोग खाना हैं कर मुझे खाना चाहिए और एक एप्पल खा लिया उसने

चुम। चुम। है चुम जो है, तो हाँ, चाहिए मुझसे कॉन्टेंट चाहिए ना बता रहा हूँ मैं बताऊंगा सब कुछ क्या करना तो तो है हाँ। अविनाश यहाँ आपने मुझे कहा था कि एप्पल खा लो तो मैं सौ बात बोलता हूँ तू मेरी एक बात सुनता है तेरे को मेरे को यहाँ पे रहते हुए कितने दिन हो गए नौ दिन हो गए तुमने मेरी कितनी बातें मानी मैंने कह दिया कि एप्पल खा तुमने खा लियाल बात है मानी गई उसको पूरा एप्पल मिल रहा था मैं इक्वल सबके लिए बात मिल... स्टार्ट की है इसने अविनाश ने अभी फायदा मिल रहा था ना तो करण की बात मुझे यहाँ पे वो लगी कि ऑब्वियसली फायदे चीज हर कोई मानेगा जहाँ पे नुकसान होगा वहाँ पे नहीं मानेंगे उसके बाद ऑरेंज भी खा ली सारा का हाँ सारा कहती मैं ऑरेंज नहीं खाती सारा भरा जाके वो करवा लेती कि मेरा एप्पल चला गया सौरा भी हाँ, थी बहुत ज्यादा तो एक्टिंग लगीShaderType का कि मुझे अह हाँ, मेरे को खाना चाहिए मेरे को खाना चाहिए बस ये बार सोचते का उन्होंने वो थोड़ा सैड मोमेंट लगा के कि जितने का खाना नहीं होता वो लोग इतने मुश्किल से रहते होंगे हुँ. और वहां पे इन्होंने कहा कि हम लोग तोड़ने कोशिश कर रहे हैं हम तीनों को they really trying hard to break us मतलब हुँ. तीनों के इतनी बहुत तरह भावुकनिया जा रहे थी इनों को पता बिग बॉस ही बहुत भाव दे रहे हैं उनको फेवरेट्स बोला फलाना करो सारी बातें तो गॉसिप फ्रॉसम कुछ कर रहे हैं ना कुछ हलचल तो अब फिर भाई आरफी ने दी स्पीच हां मानकेश लीग्स स्पीच आपको मुझे कि थी मान हाँ मैं बॉस मैं हूँ टाइम गॉड मैं भविष्य पता नहीं जाकर चाहता हूँ के मैं हूँ गॉड ऑफ टाइम अब आप बिग बॉस आप कन्फेशन खुल चुका है आप लोग आए आपको फ्यूचर में क्या चाहिए आप लोग बता दे अब मुझसे सब लोग खाना मांगेंगे हाँ। सबने कहा हमें हमें जीतना है हमें मोस्टली लोगों ने मांगी, मांगी। सबने रजत तो की पता नहीं कौन सी ग्लू मांग रहा था सारी बड़ी चालू होगा ना तो भूख की वजह से सबका दिमाग खराब हो जाता है हाँ। बिग बॉस मेरे को खाना चाहिए और सलमान जी आ रहे हैं तो मेकअप चाहिए मुझे बड़ी पता नहीं क्यों बहुत फेक लगती है बंदी वहाँ पे ने माफी मांगी से

और फिर सबने कहा हम दो लोगों को जेब में डालते हैं हाँ। और सब लोग बन किसको हमने वोट करना है तो उस बात पे बिग बॉस भी खुश नहीं थे बाद चला हाँ। कि प्रोसेस क्यों बन गया बिग बॉस चाहते हैं आप में डिस्कस करो थोड़ी लड़ाई हाँ। हो मतलब हाँ। इतना एक एक ऑर्गेनाइजर चले की बंदा नाम ले फिर बाद में गिने कितना हो गया बिग बॉस कहते हैं और कुर्सियां तोड़ दो दूसरे के मुंह पे

अरे मैं ना ओके रजत ने कहा हम इसको वेट पे कर सकते हैं इस बार हाथ खड़े सभी को दिक्कत है दूसरा ऑप्शन एलिमिनेशन का भी है और फिर चुमने का अविनाश तुम बहुत बदतमीज हो तुम बहुत बदतमीज हो अविनाश अब बहुत बदतमीज हो ऐसा मत करो आप बहुत बदतमीज फिर वो बोला नास्टी इविल मैन देयर आर नास्टी मैन और वहाँ पे वो आईना फिर आरपीएन मैं माइंड को मेरी इंडस्ट्री पे इन्होंने अटैक किया खाली मुझे अटैक नहीं किया कि मेरे पूरी इंडस्ट्री को अटैक किया तो विनाश वहां पे मेरे जो कि विनाश का आप तो मुझे आगे आना पड़ेगा आप तो पूरी इंडस्ट्री की बात आ गया तो मुझे आगे <laughs> आके मुद्दा रखना पड़ेगा फिर अविनाश की और चुम की हुई लड़ाई जहां पे चुम ने कहा साला तुम चल तुम चल ओके तुम चल साला ओके इस पे बहुत ही भावुक एकदम से बढ़कर आया करना चाहते थे और मैंने बात बोली अपने फूल को देख के छोड़ दो इसको कुछ नहीं करना इसने और एग्जैक्टली सिक्सटी लेटर वही बात बोली कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं

कि जो बंदा कंटेंट दे रहा है मैं जो घर तो में रहे अविनाश मुस्कान को भाई फेंको बग्गा को भाई फेंको अविनाश ही निकल सकता मेरा मारे नहीं, नहीं मान लेकिन मुझे याद है कौन सा बंदा था जो बहुत जल्दी निकल गया था एक दफा कोई बंदा था तो मैं था, ये किस निकल गया एकदम से पता नहीं प्रियंक प्रियंक ने मारा नहीं था किसी को बहुत जल्दी प्रियंक निकल गया था उसको मार के निकलना लग बात मेरे हाथ से मारा था उसने किसी को नहीं होता एक इंसान से कुछ नहीं करवाते हैं और इसी नोट हमारा बिग बॉस का खत्म उम्मीद कहते हैं आपने इसको पसंद किया होगा अगर आप इंडियन कुछ चाहने वाले हैं कुछ जानने वाले उनको जरा हमारा बिग बॉस लिंक फॉर्व कीजिए दो पाकिस्तानी है जो बिग बॉस का हैश टैग व्हाट्सएप फर वन वन हैश टैग फीडबैक कौन है यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले हिट द बेल आइकन और देखते रहे what's the 411?